नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। सूरज की पहली किरण के साथ उन्हें सुबह की पहली चाय मिलती है। सुबह 9 बजे नाश्ता और उन्हें रात का खाना भी दिया जाता है। रोज उनके जूतों पर पॉलिश भी की जाती है, वर्दी भी प्रेस होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये सेना के किसी अफसर की रूटीन है, लेकिन ये बात सच है। हकीकत ये है कि सेना का ये वीर सपूत शहीद हो चुका है। शहादत के बाद आज भी उन्हें पूरा सैनिक सम्मान मिलता है। ये वीर गाथा है 1962 की जंग के हीरो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की, और आज बात सन 1962 के इसी बहादुर की। एक वीर था इस देश का, जो लड़ा था कभी अपने देश के लिए, लेकिन उसे लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। वो एक जाबाज था। मरूंगा, यही मरूंगा, पर ये पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। रणभूमि में 72 घंटे की अमर शौर्य गाथा नहीं जीती जाती। हिंद का वो शेर जिसने अकेले दम पर चीन की चीख निकाल दी जाती है तुम्हारे जैसे सिपाहियों के होने से। जंग में जो बना चीन के 300 सिपाहियों का काल, जिसने 72 घंटे तक चीन के सिपाहियों से अकेले लड़ी जंग, सरहद का अमर पहरेदार, जिसे मौत भी न मार पाई, हिंद का वो महावीर जो शहादत पाकर भी जिंदा है, बैटल ऑफ नूरानोंग के हीरो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। ये कहानी है बंकर वाले बाबा की, ये श्रद्धांजलि है कभी न रिटायर होने वाले सिपाही को, ये नमन है आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक वतन की मिट्टी की हिफाजत में शहीद हो जाने वाले राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर और हजारों फीट ऊंचाई पर हम मौजूद हैं जसवंतगढ़ में, जहां पर 1962 की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में शहादत के तमाम ऐसे किस्से हैं, जिसमें सबसे बड़ा किस्सा है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का। मरणोपरांत उनका यहाँ मंदिर है, और ये माना जाता है कि आज भी वह इस इलाके की हिफाजत करते हैं। उनसे जुड़ी हुई दो बहनों की कहानियां भी हैं, जिनका नाम है सेला और नूरा। तो किस तरह से मरणोपरांत भी जसवंत सिंह रावत इस इलाके की हिफाजत करते हैं, उनकी आत्मा इस इलाके में अपने सर्वस्व बलिदान के बाद भी विचरण करती है, क्यों भारतीय सैनिक और भारतीय सेना की टुकड़ी यहाँ पर मंदिर की न सिर्फ देखभाल करती है बल्कि उन्हें एक जिंदा सैनिक के रूप में सलाम करती है, क्यों आखिर भारतीय सेना ने मरणोपरांत भी उनका प्रमोशन दिया, ये तमाम राज और कहानियाँ आज छिपी हुई हैं, जिसका पड़ताल करने हम यहाँ पहुँचे हैं। अमर शहीद जसवंत सिंह रावत का यह मंदिर चीन की सरहद के करीब सीना ताने खड़ा है, मानो आज भी वतन की निगहबानी कर रहा हो। तवांग में तैनात होने वाला हिंद का हर सिपाही अपनी ड्यूटी से पहले बंकर वाले बाबा को नमन करता है, उन्हें सैल्यूट कर आशीर्वाद लेता है। आखिर क्या है इसकी वजह? 5 दशक पहले शहीद हुए जसवंत सिंह रावत को अमर पहरेदार क्यों कहा जाता है? देश के लिए मर मिटने वाला वो जवान आज भी फौज का मुलाजिम है, प्रमोशन पाता है, पगार लेता है, या फिर तय वक्त पर छुट्टी लेकर घर भी जाता है। बुलेटिन में आज बात सन 1962 के उस बहादुर राइफलमैन की, जिसकी हिम्मत ने उसे महावीर चक्र का हकदार बना डाला। एक शहीद सिपाही अमर बन गया। 1962 के भारत चीन युद्ध में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। लगातार 3 दिनों तक भूखे प्यासे जसवंत जंग लड़ते रहे। भारतीय सेना के इस महावीर ने 72 घंटों तक ना सिर्फ चीन की सेना को रोका बल्कि दुश्मन के 300 से ज्यादा सैनिकों को अकेले मार गिराया। जीते जी शहीद जसवंत सिंह रावत सरहद की हिफाजत तो करते ही रहे, शहीद होने के बाद भी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। उन्नीस सौ 1962 की लड़ाई में भले ही चीन हिंदुस्तान से जीत गया, लेकिन अकेले शहीद जसवंत सिंह रावत से हार गया था।
14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी थी और उस युद्ध के हीरो थे जसवंत सिंह रावत। चीनी जवानों की रूह आज भी राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के नाम से कांप उठती है। शहीद वीर जसवंत सिंह रावत का नाम आज भी चीनी सैनिकों के जहन में डर भर देता है। जसवंत सिंह रावत भारतीय थल सेना के एक ऐसे अमर सैनिक हैं जो शहीद होने के बाद भी ड्यूटी पर हैं। माना जाता है कि उनकी आत्मा अब भी सीमा की रक्षा करती है। भारतीय सेना का एक शहीद जो शहादत के बाद भी आज भी माना जाता है कि इस इलाके की सुरक्षा करता है, मरणोपरांत भी जिसका प्रमोशन सेना में होता रहा और आज भी उसके लिए यहाँ मंदिर में देखें तो सैनिक खड़े हैं, और न सिर्फ सैनिक खड़े हैं बल्कि उसके समूचे साजो सामान की सुरक्षा करते हैं। उनका बिछावन आज भी लगता है और उनके जूते आज भी पॉलिश होते हैं। हम बाबा की सवेरे बाबा की पूजा करते हैं, दोपहर का बाबा को लंच और शाम का डिनर और पूजा करते हैं। साथ ही बाबा को हर मंगलवार को इनका बेडशीट पिलो हैंडकरचीफ वॉश करके हम दोबारा इनको लगाते हैं। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की दास्तान एक ऐसे वीर की है जो आज भी सरहद के निगहवानों को बिना डरे दुश्मनों से भिड़ जाने का हौसला देती है। जंग गोला या बारूद से नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है तुम्हारे जैसे सिपाहियों के खोने से। सेना की तरफ से उनकी शहादत को ऐसा सम्मान दिया गया जिसे कोई भुला नहीं सकता। सेना के नियमों के मुताबिक शहीद जसवंत सिंह रावत को प्रमोशन भी दिया जा रहा है। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत बोलते हैं, इनको प्रमोशन देते गए, इनको ऑर्डिनरी कैप्टन तक प्रमोशन मिलता रहा है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान बतौर राइफलमैन जसवंत सिंह गढ़वाल रेजिमेंट में तैनात थे। उनकी तैनाती तवांग जिले के नूरानोंग पोस्ट पर थी। गढ़वाल राइफल्स बयोनेट की नोक पे चलती है। चीन की धोखेबाजी से हिंदुस्तान जंग में कमजोर पड़ रहा था। नूरानोंग पोस्ट पर तैनात जसवंत सिंह की बटालियन को पीछे हटने का आदेश मिला। मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है कि मैं ये पोस्ट छोड़ दे। लेकिन जसवंत सिंह अपने दो साथियों गोपाल सिंह गोसाई और त्रिलोक सिंह नेगी के साथ उसी पोस्ट पर रुक गए। मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब, मरूंगा, यही मरूंगा, पर ये पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। जंग गोला या बारूद से नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है तुम्हारे जैसे सिपाहियों के खोने से। हिंद की सेना के एक वीर सपूत ने चीन को ऐसी मात दी कि 5 दशक बाद भी नूरानोंग की हार चीन को सालती है। टीम न्यूज नेशन। जसवंत सिंह की वीर गाथा आज भी अरुणाचल प्रदेश में बच्चे बच्चे की जुबान पर है। 1962 में भारत चीन युद्ध में जिन चोटियों पर जसवंत सिंह रावत ने अद्भुत पराक्रम की इबारत लिखी वो पूरा इलाका ही जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतगढ़ बन गया। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भगवान की तरह पूजे जाते हैं और सेना में उनके साथ एक साथी सैनिक की तरह व्यवहार होता है। तो आखिर क्या है जसवंत सिंह की शौर्य गाथा जिसकी वजह से उन्हें सेना ने सिर आंखों पर बिठा लिया, आइए आपको बताते हैं नूरानोंग के जंग की पूरी कहानी। वो तारीख थी 17 नवंबर की और साल था 1962 जब चीन की फौज ने अरुणाचल प्रदेश पर धावा बोला था। ये हमला अचानक था और मुकाबला गैर बराबरी का। चीन के सिपाहियों की तादाद बहुत बड़ी थी और उनके पास उम्दा हथियार थे, जबकि हिंद की सेना हिम्मत और हौसले के जरिए दुश्मनों का मुकाबला कर रही थी। समूचा युद्ध स्थल इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से शौर्य से, वीरता से और जज्बे से लड़ाई जीती जाती है, सिर्फ हथियारों से नहीं। और यही वजह है कि भारतीय सैनिकों के सामने हथियार की तो भले ही कमी थी, लेकिन जसवंत सिंह रावत जैसे दलेर थे जिन्होंने तमाम मुश्किल भरे हालात में मोर्चा संभालते हुए चीनी सैनिकों की माद में घुसकर उनके ही हथियार को छीन लाने में कामयाबी हासिल की। चीन के सैकड़ों फौजी हिंदुस्तान की छोटी सी टुकड़ी पर टूट पड़े। चीनी सेना हर मोर्चे पर हावी होने लगी और भारतीय सेना ने नूरानोंग में तैनात गढ़वाल यूनिट की 4th बटालियन को वापस बुलाने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन जसवंत सिंह और गोपाल सिंह गुसाई ने लौटने से इनकार कर दिया और हिंद के शेर
चीन के सिपाहियों से भिड़ गए। जंग गोला या बारूद से नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है तुम्हारे जैसे। तवांग से चीनी सैनिकों का समूचा जत्था बढ़ते हुए नूरा नांग पहुंचा था और तब आप जो सामने वाली पहाड़ी देख रहे हैं जिस पर लाल झंडा लगा हुआ है, उसी जगह पर चीनी सैनिकों ने मोर्चा संभाला, वहीं पर MMG लगाया और वहां से उन्होंने हमला बोला था। और यहां से भारतीय सैनिकों ने जब उनसे लोहा लेने को ठानी, तब आप सोचिए कि कितनी दुश्वारियों से भरा हुआ ये समूचा एक इलाका होगा। चीन के सैनिकों की तरफ से गोलियों की बरसात के बीच जसवंत सिंह के साथ ही एक एक कर बिछड़ते गए, लेकिन हिंद का शेर अकेला होने के बावजूद अपने मकसद से डिगा नहीं। सैकड़ों सिपाहियों के आगे जसवंत सिंह ने जंग की नई रणनीति अपनाई, उन्हें चकमा देने लगे। चीन के सिपाहियों के हथियारों का इस्तेमाल इस तरह करने लगे कि चीन के सिपाहियों को बड़ी तादाद में भारतीय फौज के होने का खौफ होने लगा। तो देखिए यहाँ पर ये समूचा दृश्य कि सामने चीनी सैनिकों ने मोर्चा संभाला हुआ है और उस वक्त जब सेकंड लेफ्टिनेंट ने कॉल लिया तो सबसे पहले राइफलमैन जसवंत सिंह लोहा लेने के लिए तैयार हुए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए वो चीनी सैनिकों से भिड़ने को तैयार हुए और साथ में उनके लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और साथ ही राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई भी जोश और जज्बे के साथ सामने आए। और ऐसे में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत आगे बढ़े चीनी सैनिकों से लोहा लेने के लिए उस बंकर तक पहुंचने के लिए जहां से MMG का फायर चल रहा था और वहां कवर फायर त्रिलोक सिंह नेगी दे रहे थे। तीन अलग अलग बंकरों की मदद से जसवंत सिंह ने चीन के सिपाहियों की नाक में दम कर दिया। नूरानांग की इन पहाड़ियों पर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत चीन की सैनिक टुकड़ियों के साथ लगातार मोर्चा संभाले रहे। ये माना जाता है कि तीन दिनों तक वो इस लड़ाई में तमाम जो चीन की सैन्य टुकड़ियां हैं उस पर भारी पड़ते रहे। ये कहा जाता है कि उन्होंने लगभग तीन अलग अलग बंकरों पर अपना हथियार जमा कर रखा था और यहाँ पर सैन्य बल कम होने के बाद भी उन तीनों ही बंकरों से एक के बाद एक फायरिंग करते थे, जिससे जो चीनी सैनिक हैं वो इस भ्रम में थे कि यहाँ पर भारतीय सैन्य शक्ति का बड़ा जमावड़ा है और इसी के चलते वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तीन दिन तक चीनी सेना समझ ही नहीं पाई कि हिंदुस्तान की ओर से मोर्चे पर सिर्फ एक सिपाही है। जब अकेले सिपाही ने 300 से ज्यादा दुश्मनों को ढेर कर दिया तो उनकी घबराहट बढ़ती गई। 72 घंटे तक लगातार जंग के दौरान जसवंत बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक अकेले जसवंत सिंह के लिए हौसला बनकर पहुंची थी हिमालय की दो बेटियां, तवांग की दो बहनें सेला और नूरा। जसवंत सिंह रावत को सबसे ज्यादा मदद अगर किसी ने पहुंचाया तो यहाँ की दो बहनों ने, जिनका नाम सेला और नूरा था। सेला और नूरा वतन की हिफाजत कर रहे जसवंत सिंह के लिए खाना और रसद लाती थी। साथ में जसवंत सिंह के शिकार बन रहे चीनी सैनिकों के राइफल लेकर भी जसवंत सिंह तक पहुंचाती थी। सेला और नूरा की मदद से जसवंत सिंह ने पूरी धरती पर राइफल बिछा दी थी और अलग अलग जगहों से फायर करते रहे। दिन भर चीन की सेना भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुमान लगाने में जुटी रही और आगे बढ़ने का हौसला ही नहीं जुटा पाई। और इस तरह से इस लड़ाई में जो ये दो बहनें हैं उन्होंने खासी मदद की और उनके मदद के बदौलत इस लड़ाई में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के ऊपर भारी पड़ते दिखाई पड़े। लेकिन हिंद का शेर अपने खून के आखिरी कतरे तक चीन के सिपाहियों से मुकाबला करते हुए आखिरकार शहीद हो गया। एक ऐसी शहादत जिसने एक राइफलमैन को अमर बना दिया, तवांग का भगवान बना दिया, सेना की शक्ति का स्रोत बना दिया। टीम न्यूज नेशन। नूरानोंग की जंग में हिंदुस्तान के तीन सपूतों ने जान की बाजी लगा दी। इनमें से एक थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और उनका साथ दिया हिमालय की दो बेटियों ने। इन तीनों के हौसले की कहानी अमर हो गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शहीद जसवंत सिंह रावत के शौर्य गाथा को सुनाने वाला कौन था? नूरानोंग में सबसे बड़ी जंग की कहानी दुनिया के सामने आखिर कैसे पहुंची? हिंद के एक सपूत के पराक्रम से दुश्मनों के छक्के छूट गए। चीन की सेना की लंबी चौड़ी फौज
कब्र में पहुंच गई। 1962 की लड़ाई में चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारने में सफलता भारतीय सैनिकों ने हासिल की थी, और जो 300 सैनिक उस दौरान मारे गए थे, इसी हिस्से में मारे गए थे नूरागढ़ का युद्ध, और नूरागढ़ का यह बैटल ग्राउंड कहा जाता है, उसमें आज भी उनका ये ग्रेवयार्ड है। 300 चीनी सैनिकों के ग्रेवयार्ड के तौर पर इस हिस्से को रखा गया है, और यहाँ पर आने वाला हर शख्स ये देखता है कि किस तरह से 1962 की लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था, और एक ही जगह पर ये 300 इमारतें दफनाई गई थी, जिसका प्रतीक आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये वो जगह है जो हर हिंदुस्तानी को इस बात के लिए गर्व से भर देता है कि जोश, जज्बे और यहाँ तक कि असला, हथियार, गोले बारूद की कमी के बावजूद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को न सिर्फ मौत के घाट उतारा, बल्कि बीजिंग तक ये संदेश देने में कामयाब हो गए कि भारतीय सेना से लोहा लेना आसान नहीं, बल्कि मौत को गले लगाने के बराबर है। चीनी सैनिकों को कब्र तक पहुँचाने वाले जसवंत सिंह की कहानी भी सामने आई चीन से। युद्ध के बादल छटे तो चीन के सैनिकों ने वो पराक्रम बयान किया जो 62 की लड़ाई में महावीर चक्र का हकदार बन गया। ये चीन की सेना ने ही बताया कि 3 दिन की जंग के बाद जब उन्हें मोर्चे पर अकेले जसवंत सिंह रावत मिले तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। 300 सैनिकों की मौत की खीज में वो राइफलमैन के शहीद होने के बावजूद हैवानियत पर उतारू हो गए। जसवंतगढ़ में शहीद जसवंत सिंह रावत के स्मृति स्थल में उनकी यादों का समूचा एक तरह से झरोखा देखा जा सकता है। सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं, उस पेड़ का महत्व यह है कि दरअसल ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि चीनी सैनिकों ने उनका सर कलम किया था और उनके सर को ले जाकर इसी पेड़ पर छोड़ दिया था, जिसकी यादों को कुछ इस तरह से यहाँ रखा गया है। जिस देश को अपने राइफलमैन का पता तक नहीं था, उसकी मौत के बाद उसकी बहादुरी का किस्सा सामने आया तो जवानों की रगें थड़क उठी। पर ये पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि सिर काट कर ले गए दुश्मन का भी सिर जसवंत सिंह की बहादुरी के आगे झुक गया। चीन ने युद्ध के बाद न सिर्फ जसवंत सिंह का सर लौटाया, बल्कि सम्मान दिखाने के लिए जसवंत सिंह का पीतल का सिर बनाकर भी ले आए। चीन की दी हुई वही मूर्ति आज मंदिर में भगवान की तरह पूजी जाती है। ये मूर्ति राइफलमैन जसवंत सिंह की है, जो उनकी याद में यहाँ पर स्थापित की गई है। इस मंदिर में उनकी तमाम यादों को सजो कर रखा गया है। ये एक राइफलमैन का हौसला था जिसे सेना ने खुद से जुदा नहीं होने दिया, मंदिर बनाकर अपने बीच बसा लिया।